और नाग देवता के दर्शन। इस बर्तन में बन रही है दाल और इस कुकर में बन रही है सब्जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है मोहित चौहान और मेरे गांव का नाम है कांडो, जो कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का एक छोटा सा गांव है। और दोस्तों, आज हमारे गांव के जो महासु महाराज जी का मंदिर का यहां नव निर्माण किया गया है, उसके उपलक्ष्य पर हमारे गाँव में आज डोरिया महाराज जी पधारने वाले हैं थोड़ी देर में, 2-3 बजे के करीब। और हमारे गाँव में अभी व्यवस्था बहुत ही तेजी से चल रही है और पूरा खाने खुने का इंजाम, टेंट टूंट डीजे डूजे सब कुछ लगा रहे हैं लड़के यहाँ, और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है डोरिया महाराज जी के पधारने का। और मैं एक व्यू दिखाना चाहूंगा आपको अपने गांव का। और सामने की तरफ आपको दिख रही है ये उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं सामने की तरफ, और ये हिमाचल का एरिया है और वाला पहाड़ उत्तराखंड का है। और ये हमारा गाँव का एक छोटा सा दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आधा गांव है ऊपर की तरफ और यहाँ है महासु महाराज जी का मंदिर। और यहाँ पर अभी टेंट की व्यवस्था की जा रही है लगभग, और बहुत ही जोरों शोरों से काम चला हुआ है, सभी लड़के तन मन धन से अपने काम पे लगे हुए हैं। और दोस्तों, ये है हमारे गांव का किसान भवन, और यहाँ पे सारे जो सामुदायिक बर्तन रखे होते हैं जो पूरे गांव के हैं वो यही रखे जाते हैं। और हम आए हैं बर्तन लेने यहाँ से, और सबके सब बर्तन लेके जाएंगे इधर से मंदिर के पास। और चूल्हे लग के यहाँ हो चुके हैं तैयार, और ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डब्बा। और खाने बनाने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चलते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मामा नंबर वन। और क्या आइटम बना रहे मामा? ये बंदा है यार, घोंस मारा था। क्या बनेगा इसका? बनेगा जलेबी। जलेबी, जलेबी के लिए तैयारी की जा रही है आटे की। और यहाँ बुजुर्गों के द्वारा प्याज पूछ काटा जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर खाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और इस बड़ी सी कढ़ाई में बन रहे हैं चावल, और इस बर्तन में बन रही है दाल, और इस कुकर में बन रही है सब्जी। और दोस्तों, ये है चंदेल बैंड, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल के काफी इलाकों में चर्चित है बैंड है ये, और अपनी कलाकारी के लिए दूर दूर तक जाने जाते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर डोरिया महाराज जी हमारे मासू महाराज जी के और इनके अपने प्रांगण में पधार चुके हैं और यहाँ पर शेड सा बनाया जा रहा है बारिश से बचने के लिए, ताकि यहाँ पर डोरिया महाराज जी विराजमान हो सके, क्योंकि आज मंदिर में इनके प्रवेश नहीं करेंगे और यहाँ पर बाहर ही रहेंगे। और दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7:30 और यहाँ पर जितने भी मेहमानगण आमंत्रित किए गए थे इस पावन अवसर पर, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारे गांववासी यहाँ पर गले मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं सभी लोग।
और दोस्तों समय हो चुका है 12:30 और अब यहाँ पर महासू महाराज जी के प्रांगण में भंडारे का आयोजन किया गया है और सभी भक्तजन यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर की गई है भंडारे की और सभी लोग यहाँ पर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं सभी श्रद्धालुगण। और बीच ग्राउंड में सांप महाराज 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 और नाग देवता के दर्शन आए थे। Yeah.